देखिए कुछ आशा है या नहीं। हाँ हे रघुवर, लाड़ी बैर तो सब ठीक है, किंतु जिस दवा की आवश्यकता है वह दवा इस समय मेरे पास नहीं है। बैठी वह कौन सी दवा क्या खोजने पर मिल सकती है? हाँ रघुवर, मिल सकती है। उसका नाम संजीवनी बूटी है और वह मलयगिरी पर्वत पर ही मिल सकती है। रात वह सूर्य उदय से पहले पहुंचे तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाएंगे, अन्यथा बूटी का आना ना आना बेकार है। हनुमान जी वीर, वह बूटी मलय पर्वत पर ही मिल सकती है और रात को वह दीपक के समान चमकती है, इसलिए आप उसको पहचानना आसान है। बहुत अच्छा वैद्य जी, मैं समझ गया। पृथ्वी पर हो या पाताल में, पृथ्वी पर हो या पाताल में, नभ में हो या सागर में, दास उसे लेकर आएगा चाहे हो ब्रह्मा के घर में। इस प्रकार वो बूटी पहचानी जाएगी, वो बूटी जरूर लाऊंगा। यदि राम सहाय आप हो तो सूर्योदय से पहले आऊंगा। बोलो श्यामपति रामचंद्र। द्रोणागिरी पर्वत की ओर संजीवनी लेने निकलते हैं। ये चाबी जिसकी गाड़ी की चाबी है, अभी मैंने देखा था जब हमारे मासा की भजे से गणी का तारी गई।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आधी रात में सूर्य देव के दर्शन नहीं? अरे यह तो कोई सारा पर्वत ही ले जा रहा है। में बाधा डाल रहा है, है? यह तो मेरे भ्राता जी का नाम ले रहा है। सखा मुझे क्षमा करो, अपना परिचय दो। महाराज मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हनुमान हूँ, माता जानकी का हरण कर लंका ने रावण में कैद की है, उन्हीं को छुड़ाने के लिए आज कल लंका में राम रावण का भीषण संग्राम चल रहा है। रास्ता रोककर बहुत बड़ी गलती की है, मुझे क्षमा करिए। सखा मेरे पास एक तीव्र गति का बाण है, आप उस पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें शीघ्र पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता तो नहीं, लेकिन महाराज लंका के दक्षिण द्वार को हम अभी तक नहीं तोड़ पाए हैं, आप अपने इस तीर से लंका के दक्षिण द्वार को तोड़ दीजिए, ताकि मैं यह संजीवनी बूटी समय पर पहुंचाकर भ्राता लखन के प्राण बचा सकूं। अच्छा भगवान, अच्छा भगवान, अच्छा भगवान, मुझे बहुत देर हो रही है, सूर्योदय से पहले मुझे पहुंचना होगा। हे सखा, तुम्हारा कार्य ईश्वर पूर्ण करे। ये मैंने संजीवनी बूटी निकाल दी है और इस पर्वत की लड़े